हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे केमिकल स्टॉक से रिलेटेड जो कि अगर हम देखें तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहाँ पर रिटर्न दे चुके हैं बट काफी लोग यहाँ पर लास्ट में आए लास्ट में आने के बाद वो टॉप पे फंस गए और फंसने के बाद वो स्टॉक्स कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं उनमें से कुछ नाम में जो जो स्टॉक्स मेरे माइंड में आते रहेंगे उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करते रहेंगे और यहाँ मैंने पर्टिकुलर कोई ऐसा स्टॉक्स नहीं चुना है और अगर मैं आपको बताऊँ कुछ इंटरेस्टिंग बातें स्टॉक से रिलेटेड भी बताऊंगा मार्केट में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड बताऊंगा और मार्केट में क्या हो सकता है वो भी बताऊंगा और मार्केट में क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा देखिए कब होगा वो नहीं पता बट होगा वो पता है तो आइए वीडियो में चलते हैं उन स्टॉक से रेडी पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस मिलती रहे कुछ भी आ, आपको सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो बाकी यहाँ पर वीडियो यहाँ पर आती रहती है दो दिन से वीडियोज नहीं आई थी जस्ट बिकॉज सम रीजन अगर बात करें यहाँ पर आज के दिन दोबारा वीडियो आनी शुरू होगी प्लेलिस्ट का गोत्रुज यहाँ पर कर लीजिए और अगर हमारी पर्सनल सर्विस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा कांटेक्ट कर सकते हैं वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं पिंक कर सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं तो देखिए जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं बालाजी अमाइस यहां पर अच्छा खासा है ये करेक्ट हो गया है इसके अलावा हम बात करें रहे यहां पर एलकाइल अमाइस यहां पर ये यह शेयर कनेक्ट हो गई है करेक्ट हो चुका है इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर सुमितो ओके okay, सुमित्र तो केमिकल्स ये यहाँ पर करेक्ट हो गया अच्छा खासा इसके अलावा और भी आप एबीसीडी कोई भी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे केमिकल्स के जैसे कि दीपक नाइट्रेट ओके okay, आज के दिन में जरूर भागा बट अगर हम देखें तो यहां पर देखिए ये ये शेयर अच्छा खासा यहाँ पर करेक्ट हो गया है और भी मैं आपको स्टॉक्स बताता रहूंगा जैसे कि हम बात करें यहाँ पर आरती सरफेक्ट एंड okay, ओके आज की डेट में तो काफी गिर गया था फिर यहाँ पर रिकवर होता हुआ नजर आया बट यहाँ पर देखिए तो ये शेयर देखिए क्या अच्छी तरीके से गिर चुका है और कब कब हमने किस किस लेवल पर लिया था तो यहाँ पर भी हमें लॉस होता हुआ नजर आ रहा है तो अगर बात करें ओवरऑल केमिकल सेक्टर की तो केमिकल सेक्टर में हो क्या रहा है केमिकल सेक्टर में हमने काफी लोग यहां पर टॉप पे लिए हुए और टॉप पे लेने के बाद यहाँ पर शेयर बहुत ज्यादा यहाँ पर गिर चुका है कोई पंद्रह परसेंट कोई बीस परसेंट कोई तीस परसेंट कोई चालीस परसेंट इस तरीके से एक अच्छी खासी गिरावट टॉप लेवल से यहाँ पर आती गिरती हुई पर दिखाई दे रहा है शेयर और लोगों को अब डर लग, लगना शुरू हो रहा है और क्योंकि केमिकल सेक्टर में जिस तरीके से रैली आ रही थी तो उसमें अच्छा खासा पैसा बन रहा था और यहाँ पर मार्केट बा, गिर रही थी बट जैसे कि हमने यहाँ पर आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है और यहाँ पर थोड़ा सा व्यू मैंने आई थिंक इस वीडियो में यहाँ पर दिया था और आपको बताया था

केमिकल सेक्टर तो केमिकल सेक्टर में अच्छी खासी गिरावट है क्यों है गिरावट तो देखिए हम अगर इनके रिजल्ट देखते हैं यहाँ पर अगर हम बालाजी एम का मैं एग्जाम्पल ले रहा तो देखिए जो इसके सेल्स है वो तो कंटिन्यूटी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है बट अगर हम यहाँ पर देखें कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पर आपको पता चलेगी कि इनके प्रॉफिट में ओके okay, पर प्रॉफिट में गिरावट हो रही है क्वार्टरली बेसिस पे किसी में गिरावट हो रही है किसी में एनुअली बेसिस पे गिरावट हो रही है इसके पीछे पीछे का का रीजन रीजन क्या है है उसके एक्सपेंसेस की इनके जो मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है ओके okay, यहाँ पर आप देखेंगे मटेरियल कॉस्ट जो फोर्टी थी लास्ट क्वार्टर में वो यहाँ पर फिफ्टी हो गई है ओके okay, जो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है कुछ कुछ में एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है तो इस दिस इज द रीजन की यहाँ पर जितने भी केमिकल सेक्टर है इवन इफ दे आर गिविंग दल टाइम हाई या फिर कह सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे हाइएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स दे रहे हैं बट उनके प्रॉफिट में वो सेल्स वो प्रॉफिट में यहाँ पर नजर नहीं आ रहा जो यहाँ पर हाईस्ट एवर यहाँ पर जो सेल्स में नजर आ रहा है तो दिस इज द रीजन की उसमें कुछ करेक्शन आ रहा है एंड दिस इज द रीजन और सेकेंड रीजन ये है कि मार्केट में नए नए आईपीओ आते हुए दिखाई दे रहे हैं नायका पॉलिसी बाजार एंड डिफरेंट डिफरेंट आईपीओ पाइपलाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं तो लोग पैसा निकाल के वहां पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आईपीओ में लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इस वजह से भी पर 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 अगर अगर देखा जाए, पे और अब हम बात करें, कुछ की तो मैं आपको example देना चाहूंगा कि कुछ ऐसे ही शेयर हमने देखिए कुछ टाइम पहले पर लिया था, तो लगभग छह महीने हो गए आप, बार इस शेयर से रिलेटेड हमने यहाँ पर बात करी थी क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि ये आ, शेयर है ना ये शेयर चलते बट थोड़ा टाइम लेते हैं यहाँ पर देखिए वन मंथ पहले भी यहाँ पर यहाँ पर अगर देखे हमने वीडियो बनाई थी इसके अलावा फाइव मंथ पहले भी यहाँ पर वीडियो बनाई थी और बहुत टाइम पहले भी यहाँ पर वीडियोज यहाँ पर बार बार आती रहती है ओके तो यहाँ पर वीडियोस को देखा करें तो कहने का मतलब क्या है एक साइकिल वे में यहाँ पर चीजें चलती है ओके okay, आप कब लेना है ये तो देखिए कोई नहीं पकड़ कौन सा सेक्टर चलेगा वो तो बड़े लोगों के हाथ में है वो तो जिसके पास पैसा है उसकी तूती बोलती है जैसे कहते हैं ना तो वही वाला हिसाब है जो जिसके पास ज्यादा पैसा वो उसी हिसाब से यहाँ पर कन्वर्ट कर पैसा रहते हैं उनके पास क्योंकि तो लोगों के पैसे उनके पास रहते हैं तो अभी ऐसी बात है जिस स्टॉक में जो भगाना चाहते हैं वो उस तरीके से भगाते हैं जिस सेक्टर को भगाना चाहते हैं वो उस सेक्टर को भगाते हैं और फिर ऑटोमेटिकली चीजें बढ़ती है भागती है तो मेरा कहने का मतलब क्या है मेरा

और छह महीने में देखे तो छह महीने में ये अपने उस लेवल पर भी आ गया और आज अगर देखे तो ऑल टाइम हाई भी बनाता हुआ दिखाई दिया लगभग ये शेयर दस ग्यारह परसेंट आज की डेट में भागता हुआ दिखाई दिया तो चीजें चलती है चीज़ें चलती है बट उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है कुछ पेशेंटली वेट करना पड़ता है तो पेशेंटली अगर हम वेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पेशेंट्स को उसी तरीके से हमें रिवॉर्ड भी मिलता हुआ दिखाई देता है तो हाईएस्ट लेवल यहाँ पर देखिए जाता हुआ दिखाई दिया इसी तरीके से अगर हम हम लेंगे केमिकल का एग्जाम्पल तो केमिकल का एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अब कब रैली आ सकती है तो देखिए केमिकल सेक्टर एक अच्छी खासी यहाँ पर रैली दिखाई है छः सौ रुपये से यहाँ पर शेयर पाँच हज़ार रुपये तक भागता हुआ दिखाई दिया तो ये एक मैटर से करती है ये सारी चीज़ें

के का एक शेयर है इसके अलावा हम बात करेंगे अलका की ओके इसके आज रिजल्ट है

आ, ये आ, आ, ये भी एक शेयर है तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए इसके तो रिजल्ट ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे काफी बढ़िया है बट स्टिल यहाँ पर केमिकल पूरा सेक्टर गिरा हुआ था तो ये सेक्टर भी गिरा हुआ था इस सेक्टर की तरफ ध्यान दीजिए मेरा थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे तो साढ़े चार सौ पांच सौ का लेवल ये शेयर भी टच करता हुआ दिखाई देगा बेहतरीन सपोर्ट पर यह चल रहा है इसके अलावा अगर हम बात करें आरती सर्फेक्टेंट तो आरती सर्फेक्टेंट के अगर हम बात करें रिजल्ट अच्छे नहीं थे क्वार्टरली एनुअली बेसिस पर प्रॉफिट जैसे कि मैंने आपका बताया जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस प्रॉफिट पर इम्पेक्ट पड़ रहा है तो वही इंपैक्ट यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई दिया और शेयर आज बहुत

और इसी तरीके से हम बात करें रोजरी रोजरी बायोटेक के तो नंबर एकदम बेहतरीन नंबर आए थे हुए दिखाई दिए बट स्टिल आज देखें तो ये शेयर लगभग लगभग छह सात परसेंट यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया था ड्यूरिंग द मार्केट अगर हम यहाँ पर देखें पर थोड़ा बहुत रिकवर हुआ ये इसके भी नंबर अच्छे खासे थे फिर भी ये यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा था यहाँ पर ये पूरे पूरे सेक्टर में से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है दिस इज इट और नथिंग एल्स अगर हम बात करें अनुपम रसायन इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा इसके भी शायद रिजल्ट अभी आए नहीं है जैसे आएंगे तो शायद इसमें भी गिरावट हो और ये चीजें और ऊपर भी जा सकता है इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो ये जितने भी शेयर बता रहा हूँ ना ये सारे के सारे शेयर बेहतरीन शेयर है इन्हें अपने पोर्टफोलियो में आ, या तो सबको थोड़ा थोड़ा जैसे कि आप, आप केमिकल में आपको 10 परसेंट पैसा डालना है तो सब में एक एक दो दो परसेंट पैसा डाल के ए, इन्वेस्ट कर सकते हैं तो सबका जब भागेंगे अच्छा खासा फायदा होगा और स्विन ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म जैसे भी आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हैं तो देखिए अच्छी खासी यहाँ पर भाग्य थे ये शेयर तो आप थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहे हैं और कंसोलिडेशन करने के बाद शेयर चीजें फिर निकलती हुई दिखाई देंगी मार्केट को ऊपर ही जाना है इस चीज को याद रखिए गिरावट होती है होती रहेगी वो हमेशा उतरेगी कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में यहाँ पर दबाव आ रहा है बदलती हुई दिखाई देंगी मैं आपको बर्जर पेंट कितने टाइम से कह रहा था कि बर्जर पेंट ले लीजिए नीचे के लेवल्स पे आज से देखिए यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है सात पे भी आपको वीडियो बना के दी थी आज साढ़े पे चल रहा है और धीरे धीरे करके इस लेवल पर भी आएगा तो ये चीजें इसी तरीके से चलती है वो चीज़ आपको समझनी होगी कि कब आपको खरीदना है कब नहीं खरीदना है तो यहाँ पर अभी मौका मिल रहा है ऐसे शेयर उठाने का तो यहाँ पर डालिए छह महीने बाद जब यहाँ पर शेयर भागना शुरू करेंगे फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट के रिटर्न दे देंगे प्रॉफिट बुक करना फिर दोबारा चीजें नीचे आएंगी फिर दोबारा खरीदना है ऐसी नहीं है कि चीजें ऊपर ही जाती है ऊपर जा रही थी तो ऊपर जा रही थी नीचे आ रही है तो अब नीचे आ रही है और जब नीचे से फिर ऊपर जाएंगी तो फिर आप ऊपर लेवल पर तो इस चीजों को नीचे लेना कोशिश करो ऊपर नहीं तो यहाँ पर आपको तीन महीने लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है हमारा प्रॉफिट नहीं मिल रहा हमारा प्रॉफिट नहीं बन रहा थोड़ा सा वेट करेंगे और तीन महीने का तो शायद आपको और प्रॉफिट बनता हो जब दूसरे नहीं कमा रहे होंगे तब तो शायद आप कमा रहे होंगे और जब अभी आपका लॉस हो रहा है तो दूसरे कमा रहे तो इसी तरीके से चीजें चलती है बस टाइम पे एग्जिट करना टाइम पे एंट्री करना यह भी एक आ, कला होती है तो इस चीज को थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखो सीखना शुरू करोगे तो पैसा बनता हुआ दिखाई देगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें हमारी वीडियोस को जितना हो सके सपोर्ट करें हमें जितना हो सके सपोर्ट करें और हमारे से कॉन्टेक्ट करना है आ, हम आ, आ, आपको पेड सर्विसेज है नीचे व्हाट्सअप नंबर है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस